हाय गाइस, आदाब। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की कहानी का जो टाइटल है वो है समोसा। शुरू करता हूँ, मगर उससे पहले बेल आइकन आपने प्रेस किया कि नहीं? ये लीजिए, गर्मा गर्म है, फौरन खा लीजिए वरना आपकी लाडली खा जाएगी। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम बेटी को ही दे दो। अरे आप इतना टेंशन काहे ले रहे हैं? इससे पहले कि संजय अपनी दुविधा अपनी पत्नी को बता पाता, उतने में उतने उसके सेठ जी का फोन आ गया। हाँ सेठ जी, संजय मुझे कल आकर मिलो। ठीक है। संजय उन लाखों लोगों में से था जो रोजी रोटी की तलाश में हिंदुस्तान के बड़े शहरों में आते हैं और अपनी मेहनत से पाए पाए जोड़कर जिंदगी बसर करते हैं। संजय बिहार के एक छोटे से गांव से कोलकाता आया था तकरीबन 10 साल पहले काम धंधे की तलाश में। काफी मशक्कत उठाने के बाद उसे गारमेंट्स की दुकान में नौकरी मिली। वो अपने काम में बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। जरूरतें पहले से कम थी और ज्यादा पैसा कमाने की कोई लालच भी नहीं। एक अच्छा अरसा कोलकाता में बिताने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना इस समय अपनी बीवी और बच्चों को भी यहां बुला लिया जाए। और थोड़े समय पहले ही उन्होंने अपने पूरे परिवार को यहां पर भी बुला लिया था। संजय की 2 बेटियां थी, एक की उम्र 5 साल और दूसरी की उम्र 3 साल थी। अब कोलकाता जैसे शहर में जीना किसी लड़ने से कम तो है नहीं। बात बात पर महंगाई के तराजू में जिंदगी की ख्वाहिशें तोली जाती है। इच्छा तो थी कि बच्चों की पढ़ाई इसी बड़े शहर में करें, मगर एक आम आदमी अपने पैर उतने ही फैला सकता है जितनी लंबी उसकी चादर होती है। अपनी बीवी से सलाह मशवरा करने के बाद उसने सोचा कि बच्चों की तालीम उसी गांव में होगी और जब वे कॉलेज में पढ़ने लायक हो जाएगी तब तक संजय 4 पैसे कमा भी लेगा और उन्हें दोबारा से यहां बुला लेगा। तो इस काम को अंजाम देने के लिए उसने सोचा कि अब की बार गर्मी की छुट्टियों में जाकर वो गांव के मकान की थोड़ी मरम्मत कर लेगा, जिससे बीवी और बच्चे इत्मीनान से रह सके। संजय इस विचार में था ही कि अप्रैल का महीना शुरू हो गया और अचानक से पूरे देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया। कहीं आने जाने की अनुमति नहीं थी। स्कूल हो या दुकान, सभी को पूरी तरीके से बंद करने का आदेश था। क्या होगा, कैसे होगा, संजय को यह सब फिक्र खाए जा रही थी। अगले दिन वो अपने सेठ जी से मिला तो उन्होंने कहा, संजय हालात कब दुरुस्त हो गए पता नहीं, मैं तुम्हें काम से नहीं निकाल रहा हूं मगर इस महीने की पूरी तनख्वाह भी नहीं दे पाऊंगा। बेचारा संजय कर भी क्या सकता था, मायूस होकर लौट गया। महीना खत्म हुआ तो हाथ में सिर्फ आधी तनख्वाह आई, जिससे अधिकतर घर के किराया देने में ही चली गई और बचा हुआ राशन लाने में। एक एक दिन महीने की तरह कट रहा था, कोई बीमारी से मर रहा था तो कहीं पर कोई बेरोजगारी से। महीना खत्म हुआ और संजय अपने सेठ जी के पास गया तनख्वाह लेने के लिए, मगर इस बार सेठ जी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। कहने लगे कि 2 महीने से दुकान बंद है, गल्ले में 1 भी रुपया नहीं है तो मैं तुम्हें तनख्वाह कहां से दूंगा। संजय बात बखूबी जानता था कि उसके सेठ जी भी मजबूर हैं, मगर फिर भी उन्होंने उसे कुछ रुपए दिए। संजय वो रुपयों को हाथ में लिए इस दुविधा में था कि इससे वो घर का किराया भरे या घर के लिए राशन लेके आए। काफी सोच विचार के बाद उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो अपना मोबाइल गिरवी रख ले। बड़े प्यार से पिछली 3 दिवाली का बोनस जमा कर करके उसने अपने लिए एक बढ़िया सा स्मार्टफोन लिया था। जब संजय घर पहुंचा तो बीवी की आंखों में नमी थी और चेहरे पे फिक्र। पूछने पर उसने बताया कि 4 मकान छोड़कर एक शख्स अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर कहीं भाग गया है। आप लेट आते हो तो बहुत फिक्र होती है, तरह तरह के ख्याल आते हैं और आजकल हालात भी अच्छे नहीं है। संजय ने अपनी पत्नी को समझाया और यह आश्वासन दिया कि वो आइंदा से जल्दी आएगा। अपनी बीवी की आंखों में यह फिक्र देखकर सेठ जी ने क्या कहा, संजय ने अपनी बीवी को यह बताना जरूरी नहीं समझा और अपने मोबाइल के संबंध में भी एक बहाना बनाकर सच को खुद तक ही रखा। वक्त बीतता चला गया और 2रा महीना भी खत्म हो गया। संजय इस फिक्र में था कि वो अब की बार क्या करेगा। तभी उसकी छोटी बेटी ने कहा कि बाबा, समोसे खाने का बड़ा जी कर रहा है। अपनी लाडली की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो फौरन बाजार गया और वहां पर अपने मोहल्ले की उसी महिला को देखा जिसका पति अचानक से पूरे परिवार को छोड़कर 1 महीने पहले गायब हो गया था। अब उस औरत की हाल ऐसे थे कि वो अपने बच्चों के साथ भीख मांग रही थी। संजय से उसका दुख देखा नहीं गया, मगर उसकी खुद की हालत भी इतनी नाजुक थी, तंगी से भरी थी कि वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाया। पिछले कुछ महीनों में पूरे देश में लॉकडाउन के चलते आंकड़े बताते हैं कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगारी से जूझते हुए कई लोगों ने
गलत रास्ते अख्तियार कर लिए तो कई लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। संजय समोसे लेकर घर आ गया और पूरे परिवार ने समोसे के मजे उठाए, लुत्फे सब खा रहे थे, बच्चे बड़े खुश थे और उन्हें देखकर संजय भी। और खाते खाते संजय ने पूरे परिवार से एक बात कही, तकलीफ की यह आखिरी रात है, अब कल से कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये थी कहानी समोसा, कैसी लगी जरूर बताइएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।